नमस्कार दोस्तों, बाबा नीम करोली वाले महाराज जी के संबंध में विषय में सभी लोग जानते हैं। बहुत ही दयालु, कृपालु और सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले बाबा जी हैं। हैं शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम। इन्होंने 1973 में 11 सितंबर 1973 में समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम तो उनको हैं ही। मतलब है का शब्द ये है कि वो उपस्थित हैं, वो कहीं नहीं गए, हम सब लोगों के बीच में हैं। आज भी उनका अनुभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी भक्तों को यदा कदा होता ही रहता है। वह अपनी उपस्थिति बता ही देते हैं। बहुत ही अलौकिक, अद्भुत, बिगर दिखावे के उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रखा, उनकी समस्याओं संकटों में उनका निवारण किया। ऐसे बाबा जी महाराज नीम करोली वाले को हम सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये सत्य यथार्थ है। हमारी बहन होशंगाबाद में रहती हैं, प्रत्यक्ष बात है। उनको जब हमने बाबा जी के विषय में बारे में बताया, उनके अलौकिक अद्भुत प्रसंगों को, कथाओं को बताया, उनके मन में भी श्रद्धा बढ़ गई और वो उनके ही विचार में रहने लगी। एक दिन क्या होता है, शाम को वो सुंदरकांड का पाठ करती है हमेशा। जैसे ही दोपहर में वो 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ करके अपने पलंग पर बैठी, उनको ऐसा लगा कि कोई कंबल ओढ़े व्यक्ति मेरे बाजू में बैठा है। उन्होंने सोचा शायद कुछ ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे ही पलट कर देखा तो एक जो उनको फोटो दी थी हमने बाबा जी की, बिल्कुल उन्हीं के समान आकृति में कंबल ओढ़े वो बाबा जी उनको दिखाई दे रहे। एक सेकंड में उन्होंने जैसे ही नजर फेरी वो वहां से गायब हो गए। एक ये सत्य घटना। दूसरी ये इसलिए बता रहे हैं कि 1973 के बाद ये घटना अभी की है, 2019 की। ऐसे ही हमारे साथ भी एक प्रत्यक्ष सत्य घटना घटी, उसको भी आपको हम शेयर करते हैं। वो इसलिए कि आप सब लोग इस चीज में विश्वास करें कि बाबा जी अभी भी हैं, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। भोपाल से होशंगाबाद जाने के लिए हमने बस पकड़ी, सपत्नीक हम दोनों थे, बस में बहुत भीड़, हम चढ़ गए दोनों, लेकिन अब चढ़ तो गए थे, बस चल रही थी, उतर सकते नहीं। हमने मन में सोचा कि यार अब हम तो खड़े होकर चल सकते, लेकिन जो हमारी श्रीमती जी हैं इनको बड़ी दिक्कत होगी। फिर वो कंडक्टर बोला आप लोग पीछे जाते जाइए, हम हेमंत से पीछे जाते गए। देखा एक उस तरफ मुंह करके चेक के कंबल जैसे कपड़े पहने हुए एक युवा, उसने बोला हमसे कि आप आगे आइए, पैर रखने की जगह नहीं, बैठने की तो बात अलग। उनने बोला कि माता जी को आगे कर दें, अगर पीछे सबसे आखिरी सीट पर वहां पर एक जगह खाली है, वहां बैठ जाएंगे। जगह खाली कोई दिक्कत है नहीं, जैसे तैसे करके उनको पीछे किया तो वहां पर एक व्यक्ति अपने आप उठ के खड़ा हुआ। उसने बोला मुझको यहीं उतरना है, उसने रुकवाई, उस जगह पर हमारी श्रीमती जी बैठी और हमने जैसे ही पलट के देखा वो युवा जो कंबल जैसे वस्त्र पहने थे उसने वो वहां दिखा भी नहीं। एकदम मन में आया कि यार बाबा जी ने आज तक हमारी चलती बस में सहायता मदद करी, ऐसे हैं बाबा जी। तो दोस्तों आप लोग भी विश्वास करिए और उनका स्मरण करें हृदय से, वह निश्चित रूप से अभी भी हैं।
और वैसे भी उन्होंने भक्तों से कह रहे थे एक दिन पहले 10 सितंबर 1973 को कि अब हम यह चोला छोड़कर दूसरे चोले निवास में आपको अमरकंटक में मिलेंगे। खट्टा टाट जो बोलते हैं बोरे, उस लिवास में हम आपको वहां पर मिलेंगे और भगवान की हनुमान जी की कृपा होगी तो आपसे मुलाकात भी होगी। जय श्री महाराज बाबा नीम करोली वाले।